Assalamu alaikum everyone. Guys, are you getting my voice? Hello. Assalamu alaikum ma'am. Walaikum assalam. Meri awaaz clear hai sabko? Kindly mujhe batayega. Ji ma'am. Aur screen show sabko? Ji. चलें पार्टिसिपेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते चलेंगे. हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि उस दिन भी हमारी क्लास काफी लंबी हो गई थी क्योंकि जूम हमें कम टाइम अलाउ करता है. सो लेट्स बी द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूं दोबारा से खुद को. दिस इज यजल खान एंड आई एम डूइंग स्टर्स फ्रॉम पी मेहर अली शायरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इनामुल हक फाउंडेशन. सो लास्ट टाइम हमने पर्सनैलिटी पर में देखा था कि बेसिकली पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है एंड एक्सेट्रा. आज हम देखना चाहेंगे कि बेसिकली पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं. पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रेट किसे कहते हैं. ट्रेट मीन्स एनी करेक्टरिस्टिक जो आपके अंदर होता है. लाइक ये जेनेटिकली भी हो सकता है हम लोगों के अंदर, जो हम लोगों के पेरेंट्स से हमें इनहेरिटेंस में मिलता है, और हमें ये इन्वायरमेंटली बेस्ड भी हो सकता है हमारे अंदर. लाइक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसानों में, लोगों में. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके अंदर एक करेक्टर होगा, एक ट्रेट होगा कि वो ऑनेस्ट होता है. एक है उसके अंदर होता है कि वो मेहनती है, वो हार्डवर्क है. तो इसी तरह से ये जो ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी के, ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर हम देखें इनको ये जेनेटिकली किस तरह से हमें आते हैं, तो अक्सर आपने ये बात सुनी होगी और हमारी सोसाइटी में भी ये बहुत मूव करती है कि एक बाप अगर मेहनती है तो आगे कहा जाता है कि अच्छा ये फलाने बाप का बेटा है या बेटी है, तो इसलिए इसकी खून में ये शामिल है कि ये मेहनत करता है. तो वो बोला जाता है कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें हमारे पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं और कुछ इन्वायरमेंटली बेस्ड भी हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स. लाइक कहते हैं ना कि जैसे आपकी कंपनी होगी वैसे ही इंसान खुद हो जाता है. ऐसा सुनने को मिला होगा आप लोगों को अक्सर कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो अगर आपकी कंपनी में आप ऐसे लोगों के साथ मेहनत कर रहे हो, लाइक अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हार्डवर्किंग हैं, तो आप उनकी तरफ देखकर कंपटीशन में ही सही लेकिन हार्डवर्किंग स्टार्ट कर देते हो, हार्डवर्क बन जाते हो. तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये आपको इन्वायरमेंटली बेस्ड भी हो सकते हैं और ये जेनेटिकली बेस्ड भी हो सकते हैं. बेसिकली होते क्या है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं. लेट्स सी कि ये कितने ट्रेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे. अच्छा जी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर देखा जाए तो ये थाउजेंड्स होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो एक पर्सनैलिटी फैक्टर का हमारे पास मॉडल यहाँ पे आया है, बेसिकली वो सिर्फ फाइव है हमारे पास और इसका एक एक्रोनम बनता है ओशन, ओ सी ई ए एन. अच्छा, एक्रोनम बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से एब्रीविएशन होता है ना किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, इसी तरह से एक्रोनम होता है. लेकिन एक्रोनम और एब्रीविएशन में ये डिफरेंस है कि एक्रोनम हम लेते हैं हर वर्ड के, जैसे कि ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूट्रोसिज्म. इन सब का फर्स्ट वर्ड अगर हम लें तो ये क्या बन रहा है, ओशन बन रहा है. आप लोग देख भी सकते हैं ओ सी ई ए एन, इसको हम एक्रोनम बोलेंगे कि हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को हमने लिया और एक हमने वर्ड बना दिया जस्ट फॉर रिमेम्बर द थिंग कि हम लोगों ने कौन कौन से ट्रेड्स पढ़े थे. उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है इस मॉडल में उन्होंने ओशन के नाम से, जिसे इसका एक्रोनम भी बोला जाता है. जैसे नासा है, एन ए एस ए, अगर इसको देखा जाए तो वो क्या है, नेशनल एरोनोटिकल एंड आई थिंक नासा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, ये पता नहीं कुछ इस टाइप का, एन ए एस ए, उसकी बेस में उन लोगों ने उसको वो बनाया हुआ है, उसका एक्रोनम फर्स्ट लेटर लेकर ना. तो इस तरह से बहुत सारे एक्रोनम्स होते हैं जो हम लोग फर्स्ट वर्ड को लेकर बना देते हैं. इसी तरह अगर देखें तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है हमारे पास ओशन के नाम से पांच है यहाँ पे. ओपननेस, ओपननेस का मतलब यहाँ पे हरगिज ये नहीं है कि ओपननेस का मतलब कि बंदा बहुत खुला सा है या वो ओपन माइंड है. ओपननेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बंदा ओपननेस वाला होता है, जिसमें ये पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, वो बेसिकली क्या करता है,
हर चीज को बहुत ही एक वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पूर्ण उम्मीद होता है। उससे क्या होता है कि उसके सामने आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखें और पॉजिटिव रखें तो वो सिर्फ एक के पीछे नहीं भागेगा, वो हर तरह से रिसर्च करेगा। वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखता है, वो हर चीज पे रिसर्च करेगा, हर चीज को देखेगा। तो बेसिकली वो बंदा क्या होता है, ओपन माइंड होता है कहा जा सकता है समटाइम, लेकिन वो वाला ओपन माइंड नहीं है कि वो मॉडर्न होगा। ओपन माइंड का मतलब यहाँ पे ये ले सकते हैं आप कि उसके पास बहुत ही एक पावर होती है कि वो हर चीज को एनालाइज कर सकता है। ओपननेस का मुराद यहाँ पे ये आएगा, ये नहीं आएगा कि वो बहुत मॉडर्न है या लाइक दैट ना। उसके अलावा सेकंड पॉइंट देखा जाए तो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वाले जो बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हर चीज में बहुत केयरफुल होते हैं, वो हर चीज को बहुत ही एहतियात से लेके चलते हैं। उन लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे बहुत पसंद होता है। उन लोगों के लिए ये होता है कि उन लोगों ने कुछ भी काम करना है या कोई भी प्लान फॉलो करना है या कुछ भी, तो उससे पहले वो शेड्यूल बनाते हैं। वो अपना एक टू डू लिस्ट, जैसे बहुत सारे लोग बनाते होंगे आप में से भी अगर बिजनेस मैन है स्पेशली, वो कि इस दिन हमारी ये मीटिंग रखी जाएगी, इस दिन मैंने ये काम करना है। इवन कि कुछ लोगों ने तो अपने डे का भी शेड्यूल बनाया होता है कि हमने नाश्ता इतने बजे करना है, हम लोगों ने खाना इतने बजे खाना है, हम लोगों ने अगर कोई स्पोर्ट्स मैन है उनमें से तो क्रिकेट इस टाइम पे खेलना है, इतने टाइम के लिए खेलना है, अगर हम लोगों ने टीवी देखना है तो इतने। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप में से अगर कोई आर्मी आर्मी आपके फादर हैं आर्मी में या आपका ब्रदर या कोई भी, तो अगर आर्मी से कोई फैमिली यहाँ पे है बिलोंग करती है, तो जो आर्मी वाले होते हैं ना वो इस मामले में बहुत सारे बहुत ही ज्यादा ना कॉन्शियस होते हैं आप कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आर्मी के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने एक टाइम को, एक शेड्यूल को, एक चीज को फॉलो करना है, क्योंकि उनकी टाइमिंग्स इतनी स्ट्रिक्ट होती है, उनकी रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट होती है, तो उनके घर में भी वही रिवाज चल रहा होता है। इवन के वो लोग 8 बजे नाश्ता लगाए अगर टेबल पे तो 8 बजे ही करना है भाई। 8 से अगर 5 मिनट ऊपर या नीचे हो गए या कोई खाने की टेबल पे नहीं आता है तो वो कहते हैं कि बस ठीक है टाइम खत्म अब। इसी तरह से उनका वो वॉक करने का, उनका जो सुबह जॉगिंग का टाइम है वो अलग होता है, खाने का अलग से उन्होंने एक टाइम सेट किया होता है। ये नहीं कि जैसे हम लोगों के घरों में होता है जब कोई उठा उठ के नाश्ता कर दिया, या जब दिल चाहा दोपहर के टाइम 4 बजे हम लोगों का खाना हो रहा था, दोपहर का नाश्ता हम लोगों का 12 बजे, इस तरह से नहीं होता है। ये एक जो कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं वो अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज वो पर्सनैलिटी जानती है, वो लोग जानते हैं कि टाइम कितना मैटर करता है। वो लोग एक प्लान को फॉलो करके चल रहे होते हैं, वो हर चीज को प्री प्लान्ड करते हैं, कोई भी चीज ऐसे मूड आके नहीं कर लेते हैं, वो हर काम को ना एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। दूसरा ये कि इन लोगों के गोल्स इन्होंने सेट किए होते हैं, ये गोल डायरेक्टेड पर्सन भी इनको बोला जा सकता है। ये लोग बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं कि हम लोगों को काम करना था ऐसे करना है, इसमें हम ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, और गोल्स इनके बहुत पहले से सेट किए होते हैं इन्होंने। इनका जो विजन होता है ना वो बहुत कमाल का होता है। ये लोग शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं बनाते, ये लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं। ये बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसे काम करना है, हम लोगों को इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है जिसका फायदा हमें ना सिर्फ आज हो बल्कि कल भी हो। तो ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जिसमें ये है वो बंदा बहुत कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि टाइम वाकई में मैटर करता है। ये हम सबको पता है कि टाइम से जो बड़ा ट्रेयर है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम को इम्पोर्टेंस दो, अगर हर चीज आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलो तो दैट्स वेरी गुड, और ये बहुत अच्छी बात होती है, और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। थर्ड है हमारे पास एक्स्ट्रावर्जेंस। एक्स्ट्रावर्जन मतलब एक्स्ट्रोवर्ट से ये वर्ड निकला है। एक्स्ट्रोवर्ट वो लोग होते हैं, वो आगे हम टाइप्स में भी पढ़ेंगे, जो लोग सोशल हों, जिन लोगों को बाहर घूमना फिरना पसंद हो, जिनको पीपल अट्रैक्ट करते हैं, जो लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो घर में अकेले बैठना पसंद नहीं करते, जो कहते हैं कि भाई हम लोगों को हर वक्त एक गैदरिंग चाहिए, हम लोगों को फन चाहिए। ये फन ग्रुप्स इसमें आ सकते हैं, इसमें जो एनजीओज होती हैं, ये लोग सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं इनके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन वो लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल को इनहांस करते हैं, जो अपना सोशल सर्कल जो इनका बहुत बड़ा होता है इनका सोशल सर्कल, ये लोग बहुत सारे लोगों से मिलना घुलना पसंद करते हैं, ये फ्रेंडशिप बहुत इजीली कर लेते हैं किसी के साथ भी, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ये बहुत अच्छा होता है। सो डेट्स वाई शायद इसी वजह से इन लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो इजीली बन भी जाते हैं और इनको कोई इतना इशू भी नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि ये लोग देखा जाता है एक तरह से स्पोर्टिव भी होते हैं। स्पोर्टिव किस सेंस में,
ऑब्वियसली जब आप एक फ्रेंड सर्कल में उठ रहे हो, जब आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त बना रहे हो, तो आपके दोस्त तभी बनते हैं ना जब आप उनको सपोर्ट करोगे। बिला वजह में तो कोई आपका दोस्त नहीं बन जाता। इन लोगों को हेल्प आउट करना बहुत पसंद होता है, इनकी नेचर में होता है, इनके पास ये ट्रेट होता है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं लोगों को। इनकी नेचर ऐसी होती है कि ये फ्रेंडली होते हैं, इनको मतलब ये लोग आउटिंग करना, इनको बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। दूसरा, टू सम एक्सटेंट देखा जाए तो ये एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स टॉकेटिव भी होते हैं, इनको बोलना भी बहुत पसंद होता है, ये बोलते भी बहुत ज्यादा हैं। थर्ड, अच्छा फोर्थ है हमारे पास एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस भी एक ट्रेट है। एग्रीएबलनेस जैसे कि इससे आपको समझ आ रही होगी एग्रीएबलनेस से कि रजामंदी, यानी कि राजी हो जाना, ये ट्रेट भी कुछ लोगों में होता है। ये इस सेंस में हम ले सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, एग्रीएबलनेस इनके अंदर ट्रेट होता है, ये काफी सेंसिटिव से लोग होते हैं, क्योंकि इनको ना किसी को भी खफा करना अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। इनका जो आप कह सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, और ये किसी की भी बात से ना मुत्तफिक कर जाते हैं। ये क्रिटिसाइज नहीं करते किसी पे, इनको लोगों को बुरा कहना अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हैं कि अगर तो ये ठीक होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये चुप कर जाते हैं, लेकिन अगर ये लोग गलत भी हों, इनको इनके सामने कोई बात गलत बयान की जा रही है या इनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये तब भी नहीं बोलते हैं। और अगर इनके सामने कोई बंदा गलत बात कर रहा है, इवन कि वो गलती पे है, तो ये एक बार उसको आराम से बता जरूर देंगे, लेकिन ये उस बंदे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। वो उसकी बात को मान जाते हैं कि चलें सही है, आपका अपनी जगह पॉइंट ऑफ व्यू ठीक, मेरा अपनी जगह ठीक। लाइक ये लोग आर्ग्यूमेंट से दूर भागते हैं, ये बस हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। लेकिन इनको हम मुनाफकत में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ रहे हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। इसको आप पॉजिटिव व्यू में देखें, ये नहीं कि अगर कोई गलत भी बात करे तो आप उसको बोल दो कि हाँ भाई ठीक है, आपने इसको बताना जरूर है, लेकिन वो एक लीनियंट वे में, एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक पॉजिटिव वे में आपने इसको बताना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही होगा, लेकिन मैं अपनी ये बात बयान करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इस सेंस में इनको हम देखते हैं, इस सेंस में इनको कहा जाता है कि एग्रीएबलनेस का इनके अंदर फैक्टर होता है कि ये सबकी बात से मुत्तफिक कर जाते हैं। अगर ये किसी ग्रुप में जाएंगे, किसी पार्टी या किसी टीम में जाएंगे, तो ये जाकर वहां पे इजीली फिट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की बातें मान जाते हैं, ये लोगों से दूर नहीं भागते और लोगों की बातों का बुरा भी नहीं मनाते, ये बस सबकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और सबकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये काफी अच्छे लोग होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म ये वैसे हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व्स होते हैं, उससे ये वर्ड निकला है, साइंटिफिक वर्ड है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो लोग होते हैं न्यूरोटिसिज्म टाइप, जिनमें ट्रेट होता है, ये काफी इमोशनफुल और काफी ज्यादा मूड स्विंग्स वाले, और टू सम एक्सटेंट आप इनको कह सकते हो कि थोड़े से मैड होते हैं, क्योंकि इनके जो इमोशंस होते हैं ये बहुत जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। ये इमोशन का मतलब डजंट मीन के ये सिर्फ रोते ही रहते हैं हर वक्त, इमोशन का मतलब हर इमोशन आ जाएगा इसमें, हैप्पीनेस वाला भी आएगा, एक्साइटमेंट वाला भी आएगा, सैडनेस वाला भी आएगा, थ्रिल्ड वाला भी आएगा, हर इमोशन इनके अंदर होता है, लेकिन ये मोस्टली हर चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं। हर चीज को अगर खुश हो रहे हैं तो ओवर ही एक्साइटेड हो जाएंगे, ज्यादा ही खुश हो जाएंगे, अगर रो रहे हैं तो बस फिर रोते ही चले जाएंगे। ये कुछ उस टाइप के लोग होते हैं, और इनके मूड स्विंग्स इतनी जल्दी में चेंज हो रहे होते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता, भाई एक सेकंड के लिए अगर ये गुस्से में आ गए हैं तो अगले सेकंड में ये हंस रहे होंगे, या एक पल में ये हंस रहे हैं तो अगले पल में क्या पता ये आपको रोते हुए या उदास मिले। तो ऐसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इनकी वाकई में समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि ये अपनी ही एक साइकी अलग सी रखते हैं और ये अपनी ही तरह के लोग होते हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और दैट्स वाई इनको हम थोड़ा सा साइको या मैड भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनके इमोशंस होते हैं वो इनस्टेबल होते हैं, हमें नहीं पता कि किस भी टाइम का जो मूड है वो चेंज हो जाए। और समटाइम देखने में आया है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग के जो न्यूरोटिसिज्म जिनके अंदर ट्रेट होता है ना, वो अक्सर एंजाइटी का शिकार रहते हैं ये लोग। डोंट नो वाई, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने इतनी नहीं दी क्योंकि वो हमारा काफी लंबा हो जाना था, क्योंकि हम यहाँ साइंस तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये कि आपके लिए इतना नॉलेज काफी होना चाहिए किसी की पर्सनैलिटी को अगर आपने जज करना है, तो अगर आप उसमें एंजाइटी ज्यादा देख रहे हो तो यू कैन से कि उसमें ये ट्रेट पाया जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं, हर वक्त ही बिला वजह में बेताब रहना, बिला वजह में बेचैन रहना, और उनको कोई चीज जैसे उलझन दे रही होती है। और दूसरा इसका साइन ये है किसी को जज करने का कि उसमें आइदर ये ट्रेट है या नहीं, आप इससे जज कर सकते हैं कि उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में चेंज होते जाएंगे। अच्छा, ये सब हो गया हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में।
अब इस पे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये ट्रेट उस बंदे में है या नहीं है? कोई एक ट्रेट इनमें से आप बता दें, आप में से किसी के अंदर भी कोई इस तरह का एक आधा ट्रेट अगर पाया जाता हो, लाइक अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं देखूंगी तो मैं एक्स्ट्रावर्जन हूँ, लाइक मैं एक्स्ट्रोवर्ट टाइप लड़की हूँ, मेरे में मैं बोलती भी बहुत ज्यादा हूँ, मुझे बोलने का शौक भी है, मैं फ्रेंड सर्कल भी मेरा अच्छा खासा बड़ा है, मैं मतलब किसी से भी दोस्ती कर लेती हूँ, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मैं अपने फ्रेंड्स को कंसोल करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनसे हर तरह के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे में ये ट्रेट पाया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बात करें तो आप बताएं कि आप लोगों में इसमें से कौन सा ट्रेट पाया जाता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपने आप में आप देखें कि आप में कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट पाया जा रहा है, खुद को एनालाइज करें, क्योंकि जो इंसान खुद को जान गया, ये कुरान में भी कहा जाता है, एक शायद में आता है कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि जो इंसान खुद को जान गया वो रब को जान गया, तो कोशिश क्या करें कि आप खुद को एनालाइज करें, खुद को जानें कि बेसिकली आप क्या हैं। ये नहीं कि लोग आपको बता रहे हैं कि भाई आप ये हो, आपने इस तरह से लोगों को जज नहीं करना है और ना ही आपने इस तरह से लोगों को खुद को जज करने देना है, ये जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि आपको लोग आके बताएं कि भाई आप ये हो या मैं आपको कहूँ कि आप ये हो, आप इस तरह का आप मत बनिए, आप खुद बताइए कि आप क्या चीज है, आपके अंदर कौन सा ट्रेट है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। अच्छा, यहाँ पे एक आफरीन है, इन्होंने बोला है कि आई एम एक्सट्रोवर्जन टाइप, आई डोंट लाइक बीइंग, वेरी गुड, दैट्स गुड, यू आर जस्ट लाइक मी, दैट्स मीन कि आप भी जॉली और बहुत सारा सोशली लड़की हैं, या आइदर यू आर गर्ल और बॉय, आई डोंट नो, आफरीन से मुझे लगा कि आप गर्ल हैं। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा कि कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट किसके अंदर है? फिफ्थ, न्यूरोटिसिज्म, इकरा, अच्छा जी, और फिजा बोल रही हैं हमारे अंदर है एक्स्ट्रावेगेंट का थर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, तो इकरा आप में ये न्यूरोटिसिज्म का जो अगर पाया जाता है पर्सनैलिटी ट्रेट, तो मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगी, ये सजेशन देना चाहूंगी कि अगर तो आप में ये मूड स्विंग बहुत ज्यादा है, तो खुद के नर्व्स पे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दें, आप ऐसा करें कि आप कुछ गेम्स वगैरह खेलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू सम एक्सटेंट। अगर आप में ये फैक्टर पाया जा रहा है तो आपको जरूरत है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि लोग जो इस तरह के लोग होते हैं उनको ना अच्छा नहीं समझते, या कहते हैं कि यार ये तो बंदा हर वक्त रोता ही रहता है, या ये इस टाइप का है, या इसका पता ही नहीं चलता है ये कब गुस्से में होता है या ये कब खुश होता है। तो इट्स बेटर कि आप कुछ माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट करें, ताकि आपका जब माइंड चेंज होता है तो आपके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप कोई जैसे ये पजल्स होती हैं, जैसे आप घर में कोई भी माइंड गेम खेल सकती हैं, ब्रेन वर्ड्स होते हैं, वो गेम सब आप खेलेंगी तो आप में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव चेंज आप देखेंगी। तो काइंडली लेट मी नो कि आपने मेरी बात को सुना है या नहीं, और अगर सुन लिया है तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स का और पर्सनैलिटी टाइप्स का आपस में एक रिलेशन है, क्योंकि जिस टाइप के आपके अंदर ट्रेट्स होंगे ना, जिस टाइप के आपके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसी टाइप की आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। हम कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी टाइप क्या चीज है, पर्सनैलिटी टाइप का मतलब है किस किस्म की पर्सनैलिटी है इस बंदे की या बंदी की। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आपके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी तरह की आपकी एक पर्सनैलिटी है, तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। सो दैट्स व्हाई मैंने आज इन दोनों को एक साथ रखा है। अब देखते हैं पर्सनैलिटी टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो आपके सामने हैं। इंट्रोवर्ट, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? जी मैम। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, पर्सनैलिटी टाइप्स देखें आप यहाँ पे, इंट्रोवर्ट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी होती है, एम्बिवर्ट्स होते हैं, लॉजिकल पर्सन होते हैं, और एक्शन ओरिएंटेड, जो मेन हमारे पास टाइप्स आई हैं यहाँ पे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आई होप सो। किसी को मालूम है तो कोई बताना चाहेगा? नो वन? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। इंट्रोवर्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो एज कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट लेस टॉकटिव होते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, सोशल विड्रॉल, यानी कि इन लोगों का जो सोशल सर्कल होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है। ये लोग पसंद नहीं करते ज्यादा लोगों में घुटना बैठना, घुलना मिलना, और इन लोगों का ये सीन होता है कि ये लोग कहते हैं बस हम अपने आप में ही खुश हैं, हम अपने साथ ही खुश हैं, हम अपनी कंपनी को इंजॉय करते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है।
सो सॉरी, ये अच्छा जी। दूसरी बात ये कि ये लोग सम एक्सटेंट देखा जाए तो इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो कुछ हद तक कम होता है एक्सट्रोवर्ट की निस्बत, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जो लोग हैं वो सोशल होते हैं, वो उठते बैठते हैं लोगों में, बाहर घूमते फिरते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इसके मुकाबले में काफी हद तक कम होता है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो सिर्फ अपने अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप कह सकते हो रह रहे होते हैं, या अपने आप के साथ हर वक्त रह रहे होते हैं, वो लोग लोगों में नहीं घुलते बैठते और ज्यादा बातें बातें नहीं करते हैं उनके साथ, तो वो कुछ हद तक ना शायनेस का शिकार हो जाते हैं। लाइक शर्मीले से लोग आपने अक्सर अपनी सोसाइटी में देखे भी होंगे, जब वो गैदरिंग्स में या सोशली लोगों में बैठते हैं या सोसाइटीज में घूमते फिरते बैठते हो रहे, तो उनका वो जो रंग ढंग और उनकी जो चाल ढाल होती है वो डिफरेंट होती है एक्सट्रोवर्ट्स की निस्बत। जो एक्सट्रोवर्ट की बॉडी लैंग्वेज होगी, जो उनका कम्युनिकेशन वे होगा, वो इंट्रोवर्ट की निस्बत में टोटली ऑपोजिट होगा। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें से इंट्रोवर्ट कौन है और एक्सट्रोवर्ट कौन है। बाकी ये कि ये लोग सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। सेल्फ ओरिएंटेड मीन्स कि इनको सिर्फ अपनी हद तक रहना पसंद होता है, ये अपने हद तक अपने काम को महदूद रखते हैं, ना ही कि किसी की हेल्प लेना पसंद करते हैं, ना ही इतनी आसानी से किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, ये सिर्फ अपने काम से काम रख रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया पहले भी एक्सट्रोवर्जन में भी, कि एक ट्रेट है, जो ट्रेट एक्स्ट्रावेगेंस के अंदर जो ट्रेट होगा हम उसको एक्स्ट्रोवर्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको घूमना फिरना पसंद है, वो फ्रेंडली हैं, वो लोग बहुत सारे दोस्त बना रहे होते हैं, वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, जेनरस, यहाँ पे जेनरस का एक वर्ड यूज हुआ है, मतलब वो लोग सखी होते हैं, सखावत करते हैं। तो इसकी एक रीजन यहाँ पे यही आ जाती है कि जो लोग ऑब्वियसली जब लोगों के साथ अच्छा रिलेशन हमने बनाना होता है, जब हमने किसी भी पार्टी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ता है, आपको उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उनकी मुश्किल वक्त में उनके साथ कोऑपरेट करना होता है। सो दैट्स वाई कि अब आपके अच्छे दोस्त बने रहें, क्योंकि जब आप किसी को दोस्त बना रहे हो तो वो ऐसे तो नहीं हो जाता ना कि बस आपने बातें कर ली और दोस्त बन गए, ये इस टाइप की फ्रेंडशिप नहीं होती, और ना इसको हम फ्रेंडशिप मानते हैं। दोस्त तो वो है ना जो आपकी मुश्किल में आपका साथ भी दे रहा है, आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खाते पीते वक्त भी आप लोगों को आपस में बहुत ज्यादा एक कोऑपरेशन होती है, खाना पीना, कभी कोई दोस्त किसी को कुछ खिला रहा है, कभी कोई कुछ खिला रहा है, तो इसमें इस सेंस में हम जहाँ भी देख सकते हैं कि वो जेनरोसिटी होती है, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा कंजूस नहीं होते या इस तरह से नहीं देखा जाता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो माइजर होते हैं, लाइक उनको होता है कि हमारे पैसे ना खर्चूं किसी पे भी, लेकिन इन लोगों में इस चीज नहीं होती। ये लोग बहुत ज्यादा जेनरस भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, और टॉकेटिव और फ्रेंडली भी, क्योंकि इन लोगों का एक सोशल सर्कल ही ऐसा बना होता है कि इन लोगों का चुप रह के गुजारा ही नहीं है। एम्बीवर्ड्स, एम्बीवर्ड्स क्या होते हैं, मिक्सचर होता है बेसिकली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। एम्बीवर्ड्स वो होते हैं जो मिडल माइंड पीपल होते हैं, यानी कि देखने में आया जा सकता है कि अगर ये अपनी कंपनी में है तो तब भी बहुत खुश हैं, अगर ये लोगों के साथ हैं तो तब भी बहुत खुश हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको आप कहीं पे भी ले जाएं, किसी भी सिचुएशन में डाल दें, इन लोगों की एक जो पॉजिटिव थिंग है इनके अंदर, एक जो इनका पावर पॉइंट हम कह सकते हैं कि इनके पास जो प्लस पॉइंट है, सॉरी, तो वो इनका ये है कि ये लोग ना अपनी कंपनी को भी बहुत मजे से इंजॉय कर रहे होते हैं और लोगों की कंपनी को भी, आप इनको किसी भी सिचुएशन में डाल दो ये हर हाल में खुश रहने वाले लोग होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम हमारे पास स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी कैसी होती है। स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी बेसिकली वो पर्सनैलिटीज होती हैं जो डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम आर्मी में एग्जाम्पल लें, आर्मी के घर की या आर्मी वालों की, तो आपने कभी देखा होगा उनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, वहां पर वो हर चीज को प्री प्लान करते हैं कि हमने कल से ये काम करना है, ये इस तरह से इस टाइम तक इनकी ये ड्यूटी होगी, बाकी खाने का टाइम इनका ये होगा, चाय पीने का टाइम इतना होगा, घूमने फिरने का इतना होगा, टेलीविजन का इतना होगा, न्यूज़पेपर का इतना, जो हर चीज को प्लान करके रखते हैं, जो हर, और अच्छा इसके साथ साथ इन लोगों का ना सफाई सुथराई का भी बहुत होता है। इन लोगों में होता है कि अगर इनके कमरे में चीजें ऑर्डर पे नहीं है, अगर वो उनके कमरे में अगर कोई जाए जाके देखे कि एक चीज उठा के कहीं से कहीं रखती, तो उनको इस पे भी काफी गुस्सा चढ़ता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इनको इस चीज से भी बहुत चिढ़ होती है। ये लोग सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, और ये अपनी हर चीज को, फॉर एग्जाम्पल शेल्फ में अगर बुक्स लगी हुई है, अगर हम उसको एक ऑर्डर्ड वे में लगा रहे हैं तो ठीक है, अगर हम उठा के पढ़ें और पढ़ के टेबल पे रख दें या इधर उधर कहीं फेंक दें, तो उनको इस बात से भी बहुत गुस्सा चढ़ता है। और ये लोग कहते हैं कि हमारी जो चीज जहां से कोई उठाए वो वहीं पे रखे, और हमारी हमारे सामने कोई भी बात है या कोई भी चीज है तो वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में या ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी होनी चाहिए। अगर आप इनके घर जाएंगे या ये आपके घर आए, तो आप उनसे किसी भी किस्म की बात कर रहे हो ना,
तो बात आपसे कर रहे होंगे लेकिन इनका जो माइंड होगा या जो इनकी आप देखें आईज की डायरेक्शन होगी ना, वो आपके कमरे में या आपके घर में इधर उधर घूम फिर रही होगी और वो देख रहे होंगे कि कौन सी चीज इनकी कहाँ पे पड़ी हुई है और कौन सी चीज गलत है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और वो आपको बकायदा पॉइंट आउट भी करते हैं, बताएंगे भी कि आपने भाई ये काम गलत किया हुआ है या ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनको हर चीज बहुत एक्यूरेट चाहिए होती है, ये हर चीज को बहुत सेट पैट करके रखते हैं। और ये इनकी एक खूबी भी है क्योंकि जो डिसिप्लिन होगा ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल भी होगा, जो अपनी चीजों का भी ख्याल रखता है, जो हर चीज को साफ सुथरा और सफाई, वैसे भी निफ्स ईमान है। बाकी ये कि ये लोग प्री प्लान्ड हर चीज को प्लान करके चल रहे होते हैं, तो ये भी इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि ये लोग अपना टाइम बचाते हैं, ये टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनके पास जो ऑर्डर्ड वे में हर चीज होती है, तो इसका भी ये इनको फायदा होगा क्योंकि इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है, टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि हमने ये टाइम इस टाइम ये काम इस टाइम करना है, ये काम इस टाइम करना है, तो उनके पास जो उनका टाइम होता है सेव हो जाता है काफी हद तक। हम लोग तो आधे से ज्यादा टाइम सोचते ही रहते हैं कि यार हम ऐसे करेंगे, हम ये काम ऐसे करेंगे, और हम सिर्फ सोचते ही हैं या शेड्यूल ही बनाते हैं। मुझे भी याद है हम मैट्रिक और एफएससी में ना वो पूरा एक टाइम टेबल बनाया करते थे कि मैंने ये साइंस इतने से इतने बजे तक पढ़नी है, बायोलॉजी का इतने से इतने बजे तक, और कभी भी उसको फॉलो नहीं किया था, कभी जो किया हो फॉलो। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल पर्सन्स। लॉजिकल पर्सन्स कौन होते हैं? लॉजिकल पर्सन्स वो होते हैं जो सोचते बहुत ज्यादा हैं, और सोचने के साथ साथ इन लोगों को हर चीज का एक लॉजिक चाहिए होता है, हर चीज की एक वजह चाहिए होती है। अगर आप इनके सामने आके कुछ भी इनको बोल देंगे तो वो कहेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, हमें एक्सप्लेन करें। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को कोई भी क्रिटिसाइज ना करें, इनको फियर होता है क्रिटिसिज्म का। वो क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से परफेक्ट होते हैं। जो ये लॉजिकल पर्सन होते हैं ना, ये हर चीज में डेटा घुसा रहे हैं, हर चीज में एक लाइक ग्राफ्स होते हैं, डेटाज होते हैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं ना, बेसिकली वो भी इसमें डल सकते हैं, हम डाल सकते हैं लॉजिकल पर्सन में। क्यों? क्योंकि वो लोग हर चीज को एक ना डेटा के थ्रू, लॉजिकल रेफरेंसेस के थ्रू लेके चल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर ये काम ऐसे है तो इसके पीछे ये वजह है, वो अपनी हर बात का लॉजिक भी दे रहे हैं और साथ में जो बात उनसे अगला बंदा कर रहा है वो उसका भी लॉजिक मांग रहे हैं। और ऐसे लोग स्टूडेंट्स भी हम अक्सर आपने देखा होगा, आपके भी फेलोज होंगे मे पॉसिबल, जो प्रेजेंटेशंस में या जो हर चीज में डेट डाल रहे होते हैं कि ये काम इस डेट पे हुआ था। अगर उन्होंने कोई रिसर्च किया तो उसमें वो साइंटिस्ट का रेफरेंस भी देंगे, वो डेट भी डालेंगे, वो ईयर भी बताएंगे, वो उसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताएंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये लोग साइंस को बहुत मानने वाले होते हैं और साइंस तो चलती ही लॉजिक्स पे है। तो ये लोग रियलिटी बेस्ड भी होते हैं चूंकि, क्योंकि लॉजिक का सारा जो लिंक है वो रियलिटी से है, तो वो हर चीज के पीछे वजह ढूंढते हैं। आइदर कुछ चीजों की वजह नहीं भी होती लेकिन इनको उनकी भी वजह चाहिए होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनसे आर्ग्यू करने से बेहतर है कि बंदा इनको इनका हाल पे छोड़ दे, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमें हर चीज का लॉजिक चाहिए, हमें हर चीज बताएं, एक्सप्लेन की जाए, रीजन दी जाए कि ये काम ऐसे है तो क्यों है। और दूसरी बात ये कि सीक्स एक्यूरेसी, ये लोग हर चीज में एक्यूरेसी ढूंढते हैं। जिस मैंने आपको पहले बताया कि जब आप डेटा का यूज कर रहे हो किसी चीज के अंदर, ग्राफ्स बना रहे हो, तो जब तक एक्यूरेट नहीं होंगे तो तब तक तो वो नहीं मानी जाएगी ना बात सही। तो ये खुद भी इस तरह की चीजों का यूज कर रहे होते हैं, डेटा का और डिफरेंट ग्राफ्स का और डिफरेंट रेफरेंसेस का, कि हमने ये चीज यहाँ से उठाई है और इसके पीछे ये वजह है, उसकी सारी हिस्ट्री का। तो ये लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें भी अगर कोई बात बताएगा, ये एक्सप्लेनेशन देगा, तो इसके लॉजिक देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद भी ऐसे देखे हैं कि अगर टीचर को पॉइंट बता रहा है या कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो उसकी रीजन पूछ रहे होते हैं कि सर ये ऐसे हुआ था कि क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन थी, या इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। तो वो ये वो लोग होते हैं जो हर चीज का लॉजिक मांग रहे होते हैं। लास्ट में हमारे पास है एक्शन ओरिएंटेड पीपल। एक्शन ओरिएंटेड पीपल जो होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको एक्शन परफॉर्म करना, प्रैक्टिकली हर चीज को परफॉर्म करना बहुत पसंद होता है। ये वो लोग होते हैं जो लोग सिर्फ थेरेटिकल पोर्शन पे बिलीव नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगी। और इन लोगों को मजे की बात, रिस्क लेने का भी बहुत शौक होता है। ये हर चीज को ना रिस्क लेते हैं हर चीज में। ये लोग कहते हैं कि बस भाई हम काम करके देखें, जो होगा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये कहते हैं कि हम काम करेंगे तो हमें पता चलेगा, आइदर हमें कोई लेसन मिल जाएगा या आइदर हम लोग कुछ हासिल कर लेंगे। तो इसमें ज्यादातर देखने में आया है रिसर्च के अकॉर्डिंग कि ये जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, यानी कि ये जो स्विमर्स एथलीट्स होते हैं, ये जो जिमनास्टिक के लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, इसमें इंक्लूड होते हैं एक्शन ओरिएंटेड में मोस्टली। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही आएंगे, लेकिन मोस्टली ये लोग आते हैं,
क्योंकि ये लोग भी एक्शन हर वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग भी हर चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं, इनको भी रिस्क लेने का बहुत शौक होता है। उल्टी पुल्टी जैसे कि आपने जिमनेजियम में देखा ही होगा कि वो डिफरेंट तरह के रिस्क लेकर अपनी वो जो गेम्स होती है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड में वो लोग आते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते, और अगर ये रिस्क लेने से नहीं डर रहे हैं तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो लोग रिस्क लेते हैं लाइफ में वही कामयाब हो रहे होते हैं। तो रिस्क लेना इज नॉट अ बैड थिंग, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, रिस्क लेने से आपको कभी भी नुकसान नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमें नुकसान हो जाएगा, नुकसान कभी भी नहीं होता, आइदर आपको कुछ हासिल हो जाता है या आपको कोई लेसन मिल जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये काम हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास है, अच्छा व्हाट्स योर पर्सनैलिटी टाइप। अच्छा आप लोगों ने सबने सुन लिया कि बेसिकली पर्सनैलिटी टाइप्स कितनी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स का भी हमने पहले पढ़ लिया, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स, एम्बिवर्ट्स, एक्शन ओरिएंटेड पीपल, स्ट्रक्चर्ड पीपल, और साथ में एक और भी थी लॉजिकल पर्सन जो होते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आप में से कोई खुद को एनालाइज कर पाया है अब तक? आप लोग बताएं मुझे कि आप में से कितने लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, कितने हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, और कितने हैं जिन लोगों को हर काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में मजा आता है। अच्छा आफरीन, अच्छा लास्ट टाइम ये बोल रही थी कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, लेकिन अब इनको रियलाइज हुआ है कि ये एम्बिवर्ट हैं, मीन के ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, आइदर इनकी कंपनी अकेली हो या इनकी कंपनी इनके फ्रेंड्स के साथ हो। और बाकी मोहम्मद उमर कुरैशी कह रहे हैं कि आई एम इंट्रोवर्ट, मुबशिर कह रहे हैं कि आई एम इंट्रोवर्ट, इकरा बोल रही हैं कि आई एम एक्शन ओरिएंटेड एंड एम्बिवर्ट। दैट्स वेरी गुड इकरा, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी जो लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करें, सो डेट कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो। क्योंकि इंट्रोवर्ट में अक्सर ये देखा जाता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी आप लोगों ने इतने कम नहीं होने देना है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना तो आपको जब स्टेज पे 100 या 1000 लोगों के सामने लेके जाया जाएगा तो तब आप लोगों का ना मतलब वो कंडीशन और होगी, आप मतलब वो ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ लोगों को। तो उस टाइप की अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हो तो आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मिरर प्रैक्टिस जो होती है वो क्या करें। लाइक मिरर प्रैक्टिस से मुराद यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि शीशे के सामने खड़े होकर ना डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट एसेज आप ले सकते हैं, डिफरेंट स्पीच कंपटीशन जिस तरह हम स्कूल वगैरह के लिए स्पीच स्टार्ट करते हैं वो ले सकते हैं, कहीं से भी एक टॉपिक उठाएं उसको रेडी करें और आप शीशे के सामने खड़े होकर इसकी तैयारी करें। आप खुद को देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बोल किस टोन में रहे हैं, आप अपने जेस्चर्स को चेक करें। ये मिरर प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आज आप अपने सामने बोल रहे हो तो कल को जब आप 1 या 2 बंदों के सामने बोलोगे तो आपको इतना फील नहीं होगा, आपका जो इंट्रोवर्ट वाला इंट्रोवर्जन वाला जो आपका अंदर ट्रेड होगा ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना रिसेसिव होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने फ्रेंड सर्कल में, बेशक आप इंट्रोवर्ट हैं लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स तो होंगे ना, कोई एक आधा क्लोज फ्रेंड होगा, आप उनके साथ प्रैक्टिस करें और आप आहिस्ता आहिस्ता पहले खुद से मिरर प्रैक्टिस में, देन आप अपने 1 या 2 फ्रेंड्स के साथ, देन आहिस्ता आहिस्ता अपने सोशल सर्कल को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि फिर आप पहले 3, 4, 5 फिर आहिस्ता आहिस्ता इस नंबर को इंक्रीज करते जाएं और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते जाएं। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना आइदर वो बहुत जीनियस होते हैं टू सम एक्सटेंट देखा जाए, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स हैं उसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो उसमें साइंटिस्ट भी आ रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद पे ही इतना टाइम लगा रहे होते हैं, वो खुद से इतनी इमेजिनेशंस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समटाइम्स वो बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के हवाले से देखा जाए तो वो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल हो। सो डेट्स वाई आप कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बोलें चलें एंड देन टाइम ज्यादा स्पेंड करें, सो डेट कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर है ना वो इंक्रीज हो जाए। बाकी इंट्रोवर्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि खुद को पहचानना, यहाँ पे बहुत कम लोगों ने वैसे मुझे रिप्लाई दिया है कि उनकी टाइप कौन सी है पर्सनैलिटी की। बहुत सारे लोग हैं आई थिंक उनको पता ही नहीं है फिर कि उनकी टाइप कौन सी है, वो किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो खुद को एनालाइज करें, खुद को जानने की कोशिश करें कि आप किस टाइप के हो गई, आपकी पर्सनैलिटी क्या है बेसिकली। क्योंकि जो खुद को जान गया उसने रब को पहचान लिया, ये एक आयत में भी आता है। तो आप कोशिश क्या करें कि आप पहले खुद को जानें कि आप खुद क्या चीज हैं, बनिस्पत जिसके के लोग आपको आके बता रहे हैं कि आप ये हो। अच्छा जी, हमारा टाइम काफी हद तक कम रह गया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। वैसे आई हैव डन, थैंक यू फ्रॉम माई साइड,
और आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही था कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और पर्सनैलिटी टाइप्स क्या चीज़ होती है, और मैंने आपको बता दिया कि पर्सनैलिटी ट्रेट और पर्सनैलिटी टाइप्स का आपस में क्या लिंक है. तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में अब आना है जब, तो अपनी एनालाइज करके आना है और देख कर आना है कि बेसिकली आपकी क्या टाइप है पर्सनैलिटी की, आपके अंदर कौन कौन से ट्रेट्स पाए जाते हैं. मैम इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, हर टाइप में कोई ना कोई खासियत आ जाती है. बिल्कुल सही बात है मुजम्मिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है. हर एक में जो होती है एक खासियत होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हर जगह होते हैं. तो मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी टाइप बुरी है, इसमें कोई भी टाइप बुरी नहीं है. हर कोई बंदा अच्छा होता है, उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं बुरी भी होती हैं, लेकिन ट्राई टू लाइक आप कोशिश करें कि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं हम उसको पॉजिटिव की तरफ चेंज करें ना, अपने अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस लेकर आए. यही तो हमारा मकसद है इस कोर्स का. बाकी यहाँ पे एकता ने पूछा है कि मैम इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए. देखिए इमोशन को कंट्रोल करने के लिए मैं जो चीज कहना चाहती हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस वो ये है कि जब आपको खुशी ज्यादा है तो उसमें भी आप ये सोचें, सिर्फ एक वो एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी चीज जो है ना वो परमानेंट नहीं है, वक्ती होता है सब कुछ. तो जब आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, हद से ज्यादा खुश हो रहे हो, तो ये याद रखो कि आपने हमेशा खुश तो नहीं रहना ना. मे पॉसिबल कि कल को आपको कोई खुदा ना खास्ता गम या दुख देखना पड़ जाए, तो आपकी जो खुशी होगी ना वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगी. अगर आप बहुत ज्यादा गमगीन भी हो तो ये सोचो कि अंधेरे के बाद दिन आ जाता है, रात के बाद उजाला होता है. तो अल्लाह पाक करम करने वाला है, आपकी जो टेंशन है या आपका ये जो गम या दुख है ये परमानेंट नहीं है, तो आपका वो जो कंडीशन होगी वो भी खुद ब खुद नॉर्मलाइज होगी. गुस्सा कम करने की टेक्निक मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि इसके लिए हम वो जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है ना कि गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेना, उससे ये होगा कि आपके माइंड को ब्लड ज्यादा सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, खून सही तादाद पे पहुंच रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है. तो बस ये इसी तरह के इमोशंस होते हैं. वैसे ज्यादातर लोगों में गुस्से वाला फैक्टर ज्यादा पाया जाता है, तो इसके लिए यही है कि आप अपना एक तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए जब गुस्सा आए, तो एक तो पानी पी लें, दूसरा ये कि जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस है ना सांस लेने वाली जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी है, गहरे गहरे सांस लें कोशिश करें. और मैं मतलब कोशिश क्या करें कि उस टाइम आप सबसे अलग होकर कहीं अकेले में बैठ जाया करें, क्योंकि जब हमारे सामने कोई बंदा ही नहीं होगा तो गुस्सा किस पे निकालेंगे भाई. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम. अच्छा जी, यहाँ पर काइंडली अपना फीडबैक आप सब लोग मुझे बता दें कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा है. मेरी तरफ से डन है, हम लोगों का टाइम भी बहुत कम रह गया, जल्दी जल्दी काइंडली अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा सब लोग. थैंक यू जी मुजम्मिल, मैं आज की जो स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. अगर आप लोगों को कोई मतलब मेरा अगर टीचिंग वे में अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत हमें मॉडिफाई करना चाहिए या कुछ अगर हम लोगों को चेंज लाना चाहिए या अगर आप लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे तो मैं उसको दिल से कबूल करूंगी, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कहूँ कि बस मेरी तारीफें की जाए. अगर आप क्रिटिसाइज करें तो वो मेरा ही फायदा है उसमें, मे पॉसिबल कि मैं कुछ नया आपसे सीख लूँ. That's very good. बहुत कुछ मिला आपने, आपको पहचानने का मौका मिला. जी बिल्कुल, तो आपने ट्राई करना है सब लोगों ने कि आप लोग देखें कि बेसिकली आप हैं कौन, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके अंदर कौन से ट्रेट्स हैं. और अगर आप में कोई फील कर रहा है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव ट्रेट है या जो ट्रेट आपके अंदर एक्सेसिव है उसको थोड़ा कम होना चाहिए, तो मुझे मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा और बाकी हम इंशाल्लाह उसको ट्राई करेंगे कि उसको ओवरकम किस तरह से करना है. और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो और भी इंटरेस्टेड है, बहुत सारा मजे का है कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं पर्सनैलिटी के. तो ओके जी, मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज. आई होप कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है किसी का भी.